ओके जी, ये क्वेश्चन निकालिएगा पेज नंबर 478 पर, एग्जांपल नंबर 8। ओपन कर लिया आपने पेज नंबर 478। एक्सरसाइज नंबर, एग्जांपल नंबर 8। जी तो क्वेश्चन पढ़िएगा। सॉल्वेंट लिमिटेड हैज टू डिविजन्स, ईच ऑफ विच मेक्स अ डिफरेंट प्रोडक्ट। बजटेड डाटा फॉर द नेक्स्ट ईयर इज एज अंडर। अब इसमें प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी दोनों दी हुई हैं। सेल्स, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, प्राइस पर यूनिट। ठीक है, डिटेल्स ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स आर एज फॉलोज। प्रोडक्ट ए इज स्टोर्ड इन रेंटेड वेयर हाउस वेयर रेंट इज 0.25 मिलियन पर मंथ। तो ये जो रेंट दिया हुआ है प्रोडक्ट ए के लिए, ये हमारा फिक्स रेंट है। प्रोडक्ट बी इज रिक्वायर्ड टू बी स्टोर्ड अंडर स्पेशल कंडीशंस। इट इज स्टोर्ड इन थर्ड पार्टी वेयर हाउस एंड करेंटली कंपनी हैज टू पे रेंट ऑन बेसिस ऑफ स्पेस यूटिलाइजेशन वेरीज इन अकॉर्डेंस विद द प्रोडक्शन इन यूनिट। The rent has been budgeted at 0.12 million per month. बताइए ये वाला रेंट जो है ये फिक्स्ड कंसीडर होगा या वेरिएबल? जी एनी स्टूडेंट, जो प्रोडक्ट बी का है सर वेरिएबल होगा? जी बिल्कुल, ये वेरिएबल होगा क्योंकि क्लियरली लिखा हुआ है स्पेस यूटिलाइजेशन जितनी ज्यादा होगी उतना रेंट ज्यादा होगा। ठीक है, नंबर टू, इनडायरेक्ट लेबर हैज बीन बजटेड एट 20% ऑफ डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर का 20% जो है वो इनडायरेक्ट होगी एंड 70% ऑफ इनडायरेक्ट लेबर इज फिक्स्ड, और उसका 70% जो है वो हमारी फिक्स्ड होगी, बाकी 30% वेरिएबल। नेक्स्ट पेज पे आइए, इधर गया। Depreciation for the asset pertaining to product A and B are 6 million and 2 million respectively. अच्छा, अभी तक एक चीज बड़ी क्लियर नजर आ रही है, जो फिक्स कॉस्ट दी रही है प्रोडक्ट वाइज हमें सेपरेट सेपरेट दी हुई है। ठीक है, आगे चलिएगा। 80% ऑफ कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल वेरीज इन अकॉर्डेंस विद द प्रोडक्शन इन यूनिट्स एंड द टोटल कॉस्ट हैज बीन बजटेड एट ₹4 million। वो कह रहे हैं कि जो आपकी 4 million की फ्यूल की कॉस्ट है और इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है, ये तो उसने प्रोडक्ट वाइज नहीं दी हुई, ये तो उसने अलहदा दी हुई है। ठीक है, टोटल दी हुई है, उसका 80% वो कह रहा है कि वो आपकी वेरिएबल है और 20% फिक्स्ड है। इसे आखिर में लिख रहे हैं ऑल अदर ओवरहेड्स आर फिक्स्ड। यानी अब आपको याद होगा एक एग्जांपल हमने की थी, इसी तरह उसने डाटा दिया हुआ था, नीचे लिख रहा था ऑल अदर ओवरहेड्स आर वेरिएबल, और यहाँ लिख रहा है ऑल अदर ओवरहेड्स आर फिक्स्ड, बस इतना सा फर्क है। ठीक है, तो वहां हमने ये किया था कि हमने फिक्स की कैलकुलेशन की थी और टोटल में से उसको माइनस कर दिया तो वेरिएबल आ गया। तो यहाँ उल्ट करेंगे, क्योंकि वो कह रहा है ऑल अदर आर फिक्स्ड, तो मैं पहले वेरिएबल की कैलकुलेशन कर लेता हूँ, टोटल में से वेरिएबल को लेस करूंगा तो फिक्स्ड आ जाएंगे, तो फिक्स कॉस्ट तो वही निकलेगी। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट सिंपल है, ब्रेक इवन सेल्स अज्यूमिंग दैट रेशियो ऑफ क्वांटिटी सोल्ड वुड रिमेन द सेम एज हैज बीन बजटेड अबव वुड बी कैलकुलेटेड। खैर वो तो बात का मसला। अच्छा, अब आइएगा ऊपर क्वेश्चन में, डाटा में आपको उत्पाद सेल्स दी हुई है 200 और 150 मिलियन की, डायरेक्ट मटेरियल गिवन है, डायरेक्ट लेबर गिवन है, फैक्ट्री ओवरहेड गिवन है और प्राइस पर यूनिट भी गिवन है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ब्रेक इवन पॉइंट उसने मांगा है। फॉर द पर्पस ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट,
मुझे क्या करना है, फार्मूला वही यूज करना है, फिक्स कॉस्ट। लेकिन चूंकि यहां मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं तो एवरेज सीएस रेशियो, और इसके बाद फिर हम जब आंसर निकलेगा फिर हम उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। दो हिस्सों में मतलब इसमें कितना ए प्रोडक्ट ए का और कितना प्रोडक्ट बी का, वो बाद का मसला आएगा लेकिन पहले ही है। तो अब इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मुझे सबसे पहली कैलकुलेशन बनानी है फिक्स्ड कॉस्ट की। तो अभी जैसे हमने पढ़ा था डाटा में कि ये सारी डिटेल दी हुई है, एंड पे कहता है ऑल द रिमेनिंग कॉस्ट इज द फिक्स्ड कॉस्ट, तो हम उसी को फॉलो कर लेंगे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को। तो यहां पर आइएगा वर्किंग वन में, वर्किंग वन में आप लिखे प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितने हैं, ओवरहेड्स, ठीक। अच्छा, अब प्रोडक्शन ओवरहेड हमें दिए हुए, यानी फैक्ट्री ओवरहेड देखो, प्रोडक्ट ए के 35 मिलियन है, प्रोडक्ट बी के 15 मिलियन है। इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट नहीं, मैं नहीं लिखता, हम इसको मुख्तसर कर लेते हैं, थाउजेंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यहां मैं लिखता हूं ऑल कैलकुलेशंस आर बेस्ड ऑन रुपीस थाउजेंड। जितने भी मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं अमाउंट्स में, वो सारी रुपीस इन थाउजेंड होगी। तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स हमें दिए हुए, दोनों को प्लस कर लो, 35 मिलियन और 15 मिलियन, तो ये टोटल आ गया 50 मिलियन। तो चूंकि थाउजेंड्स में अमाउंट, तो मैं 50 मिलियन लिख लिया। अब इसमें से मैं सिर्फ और सिर्फ लेस कर देता हूं सारी वेरिएबल कॉस्ट। जब सारी वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दूंगा तो रिमेनिंग जो होगी वो फिक्स्ड होगी। तो आप डाटा के मुताबिक पढ़ते जाइए, प्रोडक्ट ए इज, दोबारा से जरा एक नज़र भी देखते जाइए, प्रोडक्ट ए इज स्टोर्ड इन द रेंटेड वेयर हाउस हुज रेंट इज 0.25 मिलियन पर मंथ। ये तो आपका फिक्स्ड है, इसको छोड़ दो क्योंकि जो बैलेंसिंग है वो फिक्स्ड ही निकलना है। प्रोडक्ट बी इज रिक्वायर्ड टू बी स्टोर अंडर स्पेशल कंडीशंस, इट इज स्टोर्ड इन अ थर्ड पार्टी वेयर हाउस एंड द कंपनी हैज टू पे द रेंट ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस यूटिलाइजेशन। तो ये तो वेरिएबल हो गया, वेरीज इन अकॉर्डिंग विद द प्रोडक्शन इन यूनिट्स, रेंट हैज बीन बजटेड एट 0.12 मिलियन पर मंथ। अब मैं लिखता हूं रेंट ऑफ वेयर हाउस फॉर प्रोडक्ट बी, और 0.12 मिलियन का मतलब क्या है, 120, ठीक है जी, 120 आ जाएगा। ये लेस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट आइएगा। अच्छा नहीं, ये पर मंथ है, इसको जरा 12 से मल्टीप्लाई भी कीजिएगा, सॉरी 120 इंटू 12, 1440, यस यार। नंबर टू, इनडायरेक्ट लेबर हैज बीन बजटेड एट 20% ऑफ डायरेक्ट लेबर, 70% ऑफ इनडायरेक्ट लेबर इज फिक्स। लेकिन मुझे यहां फिक्स नहीं चाहिए, मुझे वेरिएबल चाहिए, ऊपर मैं हेडिंग दे रहा हूं वेरिएबल, और इनडायरेक्ट लेबर कोई जरूरत नहीं है ए की अलहदा कैलकुलेशन करूं और बी की अलहदा कैलकुलेशन करूं। आप टोटल देखो कितनी आ रही है, वो कह रहा है जी कि 20% ऑफ डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर दी हुई है 60 मिलियन प्लस 45 मिलियन यानी 105 मिलियन। ये थाउजेंड्स में चूंकि लिख रहा हूं इसलिए थाउजेंड्स में कन्वर्ट कर लिया। इसका कहता है इनडायरेक्ट लेबर हैज बीन बजटेड एट 20% ऑफ डायरेक्ट लेबर, ये डायरेक्ट लेबर का मैंने 20% लिया, ये इनडायरेक्ट लेबर आ गया, और इसका 70% फिक्स्ड है लेकिन मैंने वेरिएबल निकालना है तो 30% लेता हूं। तो कितना आएगा, 105 का 20% और देन 30% 60 जी। सिक्सटी थ्री हंड्रेड
ये भी लेस किया। अब अगले पेज पे आइए, डेप्रिसिएशन फॉर एसेट पर्टेनिंग टू प्रोडक्ट ए एंड बी 6 and 2 million रिस्पेक्टिवली, और कॉस्टिंग में डेप्रिसिएशन जो है वो हम हमेशा स्ट्रेट लाइन पे लेते हैं और फिक्स कंसिडर करते हैं, तो दोनों को प्लस कर लो, एक की डेप्रिसिएशन है 6 million और एक की 2 million, 6 और 2, 8 million। डेप्रिसिएशन के बाद 80% ऑफ कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल वेरीज इन, ये लेस नहीं करो बेशक सॉरी, क्योंकि मैंने वेरिएबल लेस करनी, ये तो है ही फिक्स, इसके छोड़ दो सर। 80% ऑफ कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल वेरीज इन अकॉर्डिंग विद द प्रोडक्शन इन यूनिट एंड द टोटल कॉस्ट हैज बीन बजटेड एट 4 million। इसका लीजिएगा फ्यूल एंड पावर कॉस्ट जो है, वो कह रहे टोटल कॉस्ट जो है ना ये मेरी 4 million है, 4 million, और इसका वो ये कह रहा है जी कि 80% आपकी वेरी करेगी विच इज 3200। ठीक है, अब आइएगा नेक्स्ट में, देखें टोटल कितनी बन गई आपकी, फिक्स कॉस्ट निकालिएगा कितनी आ गई, 39060 060, ये पहली वर्किंग आ गई 39060 डिवाइडेड बाय एवरेज सीएस रेशियो। अब इसके लिए वर्किंग नंबर 2 बनाएंगे एवरेज सीएस रेशियो के लिए। अब इसके लिए तो ऑब्वियसली पहले मुझे दोनों प्रोडक्ट की वेरिएबल कॉस्ट को अब सेपरेट लेना है, ये तो मैंने टोटल ली थी ना, कुछ वेयर हाउस ए की है कुछ वेयर हाउस बी की है, अब मुझे सेपरेट लेना है। देखिए थोड़ा सा ये अगर हम अलग अलग करते हैं तो ये वर्किंग हमें इसमें भी हेल्प दे देती, एनी हो यहीं से हम निकाल लेंगे वो कितना बड़ा मसला नहीं। वर्किंग 2, अब मुझे कंट्रीब्यूशन चाहिए दोनों प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, तो डाटा में आइएगा देखें सेल्स कितनी दी हुई है प्रोडक्ट ए की, प्रोडक्ट ए की सेल दी हुई है उसने 200 million और 150 million। ठीक है 200 million और 150 million। अब इसमें से मैं वेरिएबल कॉस्ट लेस करता जाऊं वेरिएबल सीजीएस, तो मेरे पास जो आंसर आएगा दिस इज कंट्रीब्यूशन। अब वेरिएबल सीजीएस में भी 3 चीजें आएंगी, डायरेक्ट मटेरियल, अब डायरेक्ट मटेरियल देखें कितना आ रहा है प्रोडक्ट ए का 45 और प्रोडक्ट बी का 30, ये गिवन है 45 मिलियन और 30 मिलियन। डायरेक्ट लेबर अब डायरेक्ट लेबर में देखें 60 मिलियन और 45 मिलियन, 60 मिलियन और 45 मिलियन। अच्छा अब वेरिएबल ओवरहेड्स आ जाएं, ओवरहेड्स वो ऊपर वेरिएबल तो लिखा हुआ है वो यहां से लेना है, ये आपके लिए आराम से यहीं से मैं उठा लेता हूं। ये देखें ये 1.44 मिलियन है वेयरहाउस बी, तो ये 1.44 मिलियन सिर्फ मैं बी में लाऊंगा। अच्छा इनडायरेक्ट लेबर चूंकि मैंने टोटल पे ली हुई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये 6300 आया, तो आप इसकी कैलकुलेशन में इस रेशियो में डिवाइड कर दो तो खुद ही आ जाएगा आपका इनडायरेक्ट लेबर। जी 105 ये जो लिया ना 6300 उसको इस रेशियो से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, या और आसान तरीका देखो 20% और 30% 2% हैं, कल भी हमने इस पॉइंट को पढ़ा था, अगर 2% दी हो तो हमें क्या करना चाहिए, इसको एक में कन्वर्ट करने के लिए 20 का 30% ले लूंगा तो 6% हो जाएगा, मैं 6% अप्लाई कर देता हूं
इसका 6% लें 3600 और इसका 6% लीजिएगा 45,000 का कितना आता है जी 2700 2700 उसके बाद एक रह गया फ्यूल एंड पावर. अच्छा फ्यूल एंड पावर जो है ये तो टोटल आपको दिया हुआ है ठीक है, इसमें अलहदा तो उसने दिया नहीं हुआ. इसके लिए आप क्या करेंगे फ्यूल एंड पावर के लिए इसमें हिंट देखें क्या दिया हुआ है. 80% ऑफ कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल वेरीज इन अकॉर्डेंस विद द प्रोडक्शन इन यूनिट्स. मसला हो गया, यानी इसका मतलब है मुझे यूनिट्स चाहिए कितने कितने सेल की हैं. तो जरा यूनिट्स की कैलकुलेशन हम अलहदा कर लेते हैं. एक कितने यूनिट सेल किए होंगे ये देखिएगा, इसका जो सेल्स है 200 मिलियन है. यहां मैं पूरा लिख रहा हूं चूंकि सेल्स प्राइस गिवन है. क्वेश्चन में देखिए सेल प्राइस एक ही कितनी गिवन थी पहले पेज पे, दैट इज 20. इसको अगर 20 पे डिवाइड कर दो, बेशक आप बेशक ये हटा दो, मैंने कहा शायद सेल प्राइस ज्यादा है, तो कितने यूनिट आ जाएंगे 10,000. ये यूनिट्स भी इन थाउजेंड्स है और बी की सेल है 150 मिलियन और इसकी सेल प्राइस दी हुई है 25, तो बताइए कितना आएगा ये 6,000. ये रेशियो बना लो, इसके दरमियान जो रेशियो है वो क्या बनी, मिनिमम कर दो तो फाइव रेशियो थ्री. अब ये जो 3200 है इसको 5:3 से डिवाइड कर दो, 3200 × 5/8 2000 और 1200 फिर आ जाएगा. अब जरा इसका, अब ये मुकम्मल हो गया और तो कोई वेरिएबल नहीं है, इसको माइनस करोगे दिस इज अ कंट्रीब्यूशन. अब ये लेस कीजिएगा 200,000 में 45, 60, 3600 और 22,000. उसके बाद नेक्स्ट कीजिएगा 69,660. ठीक है जी, अब सी एस रेशियो निकालनी है. सी एस रेशियो इंडिविजुअल सी एस रेशियो निकालिएगा. एक ही सी एस रेशियो क्या है, 3 decimal तक 0.447. अगर पॉइंट्स में लिख रहे हो तो 2 decimal बोलो, 447 इतना ही आया सर, पूरा है. ओके सेकेंड ये दोनों कैलकुलेट हो गए. ठीक है जी, अब मैंने इसकी एवरेज सी एस रेशियो निकालनी है. अब चूंकि ये हमारे पास ऑलरेडी वेट है तो एवरेज सी एस रेशियो निकालिएगा. पहला आ रहा है 0.447 × 5 प्लस 0.4642 × 3 होल डिवाइडेड बाय वेट का सम करते हैं 5 + 3 यानी 8. अब इसको ओवरऑल कैलकुलेट कीजिएगा कितना आ रही है रेशियो.
0.4535. अच्छा अब यहां रुकते हैं जरा, यहां पर आपकी बुक में एक और मेथड उसने दिया एग्जामिनर ने, ठीक है, और वो मेथड क्या है कि उसने अलहदा अलहदा सी एस की बजाय उसने ये किया, ये मैं रेड से कर रहा हूं, टोटल का बोल रहा हूं, टोटल जो सेल है 350,000 और टोटल कंट्रीब्यूशन इन दोनों को ऐड कीजिएगा 89,400 और 69,660 159,060. अब इसको इस पर डिवाइड करो, वन यानी कंट्रीब्यूशन ओवर सेल, जी जीरो पॉइंट फोर फाइव, जीरो पॉइंट फोर फाइव फोर फाइव फोर फाइव फोर फाइव ऐसा ही है, यस सर ऐसा ही। आप देखो जरा दोनों के आंसर में फर्क आ रहा है, ठीक है। ये जो मेथड इसने आपकी बुक में लिया है, ये फ्रेंकली स्पीकिंग आई हैव नेवर सीन इन एनी बुक, और इवन आपकी अपनी बुक में सिर्फ एक क्वेश्चन उसने इस पे किया हुआ है, बाकी किसी पे नहीं किया हुआ, ठीक है। तो इसलिए ये कहीं पे मेथड रिकमेंडेड नहीं है, आपने इसी मेथड का यूज करना जो किया हुआ है 0.4535 जो हमारा कैलकुलेट हुआ है। यहाँ से अब मैं सी एस रेशियो अप्लाई करता हूँ 0.4535, यस। अब यहाँ से आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा इन रुपीज मिलियन, तो कितनी अमाउंट आएगी, 86,130. अच्छा अब हमने क्या करना है, इस ब्रेक इवन पॉइंट में प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी का जो है ना वो शेयर करना है, क्योंकि रिक्वायरमेंट देखिएगा इसमें क्या लिखता है वो, ब्रेक इवन पॉइंट अज्यूमिंग द रेशियो ऑफ क्वांटिटी शुड रिमेन द सेम बस एज बजटेड वगैरह, ब्रेक इवन सेल मांगा है तो वो तो निकल आया, लेकिन ये याद रखे कि सिंगल जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स में ये ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल जब लिखा हो तो ये नहीं आंसर, बल्कि उसको फर्दर स्प्लिट भी लाजमन करना होता है। अब जब स्प्लिट करना है, स्प्लिट करने के लिए मुझे रेशियो चाहिए, रेशियो ऑफ रेवेन्यू नॉट नॉट द रेशियो ऑफ यूनिट्स, ये जो रेशियो है ये वेट की है यानी यूनिट्स है, ये वाली रेशियो नहीं लेनी, सेल्स की रेशियो लेनी है 200,000 और 150,000, ये बनेगा 4:3। अब आपने इसको इस पे डिवाइड कर दें तो प्रोडक्ट ए का रेवेन्यू कितना आएगा, 86,130 इंटू 4/7, जी हाउ मच इन थाउजेंड्स, और B 86,130 into 3/7, जी 37,003 नहीं गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हैं, दोबारा करो, ठीक। ये हमारी ऊपर मैं हेडिंग देता रहता हूँ रुपीज इन थाउजेंड, दिस इज द फाइनल आंसर।
इसको नोट करें, में सर। जी जी सर, ये जो एवरेज सीएस रेशियो है सर, इसमें आपने डिवाइड 5+3 से क्यों किया है? 5 रेशियो इसकी बात कर रहे हैं? नहीं सर, एवरेज सीएस रेशियो में जो आपने डिनोमिनेटर में लिखा है। ठीक है, ये यानी 5+3 8 पे डिवाइड क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पे जो हम मेथड लगा रहे हैं उसको हम कहते हैं वेटेड मीन। ये मैंने आपको दो बताए थे, आपको जब आपको ये वेट में दिया हो तो आपने वेटेड मीन लगाना है, समेशन एक्स डब्ल्यू ओवर समेशन डब्ल्यू। और अगर ये आंसर परसेंटेज में होता तो फिर प्रोबेबिलिटी लगाते हो, उसके लिए मेथड होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू। ये दोनों मेथड मैंने करवाए थे क्लास में, तो यहाँ पर थैंक यू। हाँ, ये वेट है ना, तो वेट पे डिवाइड करना है, सम ऑफ वेट। ये अगला क्वेश्चन देखिएगा, केपीके डेरीज लिमिटेड केडीएल, एग्जांपल नंबर 9। और ये लास्ट क्वेश्चन हमारा, केपीके डेरीज लिमिटेड इज प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस 3 एनर्जी फ्लेवर्ड मिल्क फ्रॉम 1st July 2015। इन दिस रिस्पेक्ट फॉलोइंग प्रोजेक्शंस हैव बीन मेड। अब देखो यहाँ पर 3 प्रोडक्ट्स आ रही हैं, C+, I+, V+। इसमें प्लांट प्रोडक्शन दी हुई है नंबर ऑफ पैकेट्स में, सेल्स दी हुई है नंबर ऑफ पैकेट्स में, उसके बाद प्रोडक्शन कॉस्ट पर पैकेट। अब देखते जाए, ये प्रोडक्शन कॉस्ट पर पैकेट है, पर पैकेट यानी पर यूनिट कह रहे हैं। इसमें डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड, और नीचे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट पर पैकेट भी गिवन है। 12 वेरिएबल है और 5 फिक्स्ड है। नीचे लिख रहा है, KDL विल सेल्स इट्स प्रोडक्ट्स थ्रू अ डिस्ट्रीब्यूटर एट अ कमीशन ऑफ 5% ऑफ सेल्स प्राइस एंड एक्सपेक्ट्स टू अर्न अ कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ 40% ऑफ नेट सेल्स, और 40% ऑफ नेट सेल्स That is sales minus distributor commission. अच्छा, ये पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, बस यही इस क्वेश्चन में एक पॉइंट है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। Computation for break-even sales in packet and rupees, assuming the ratio of quantity sold would be as per proportion. बाकी तो वही चीज़ है, उसमें कोई इश्यू नहीं। जो चीज़ इसमें कैलकुलेट करने वाली है वो सेल्स प्राइस, अगर आप देखो पूरे क्वेश्चन में मुझे नजर नहीं आई, सीधा आपको कॉस्ट पे ला रहा है, तो हमें सेल प्राइस कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब सेल प्राइस कैसे निकलेगी वो जरा देखते जाए, रिवर्स वर्किंग थोड़ी सी करनी पड़ेगी। एग्जांपल नंबर 9, ये वर्किंग बना रहा हूं, कैलकुलेशन ऑफ सेल्स प्राइस, ऑफ सेल्स प्राइस। अच्छा, वैसे नॉर्मली हम सेल्स जो कंट्रीब्यूशन बनाते हैं वो किस तरह करते हैं? ये सी प्लस प्रोडक्ट का नाम क्या है जी? सी सी आई वी इस तरह लिख लेते हैं, सी है एक प्रोडक्ट,
एक आई है और एक वी। हम यहां पर नॉर्मली लेते हैं सेल्स प्राइस, लेस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, ठीक है। अब वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड प्रोडक्शन के, और नीचे वेरिएबल ओवरहेड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के। पहले इन सबको प्लस कर लें, इसमें से लेस करूंगा वेरिएबल कॉस्ट, सेल प्राइस नहीं है छोड़ दो। अच्छा वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 115 प्लस 23 138 प्लस 12 115। अच्छा अब इसमें से जब अच्छा फर्दर आगे चलिए, नीचे लिखता है KDL विल सेल इस प्रोडक्ट थ्रू अ डिस्ट्रीब्यूटर एट ए कमीशन ऑफ 5% ऑफ सेल्स प्राइस। ये जो सेल प्राइस है इसकी कमीशन है, इस पे 5% जो दी नहीं हुई, टू अर्न अ कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ 40% ऑफ नेट सेल्स, सेल माइनस डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन। अब ये मुझे कमीशन गिवन नहीं है, अब क्या करूं, और वो कहता है कि ये 5% है इस सेल का, ठीक है। तो जब मैं लेस करूंगा तो कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन भी मैं कहता है 40% ऑफ नेट सेल्स, ठीक है जी। अब नेट सेल्स का मतलब है सेल्स माइनस कमीशन, जो आएगा आंसर उसका 40%। ना मैं ये कैलकुलेट कर सकता हूं ना ये कैलकुलेट कर सकता हूं, लेकिन लेट्स अज्यूम इफ द सेल्स प्राइस इज इक्वल टू 100 देन द कमीशन शैल बी 5। इसका मतलब है कि नेट सेल्स कितनी हुई, 95। अब अगर मैं कहूं कंट्रीब्यूशन कितना बनता है 40% ऑफ नेट सेल्स, तो लो लीजिएगा 95 का 40% 38 जी 38 अच्छा अब देखें, तो ये वाली वेरिएबल कॉस्ट की यानी कंट्रीब्यूशन मेरा, अब मैं कह सकता हूं कि 38 रुपीज है, यानी इट मींस कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रॉस सेल इज 38%, समझ आ गई। यानी अगर मैं लिखूं कंट्रीब्यूशन, ये जो 38 आया ऑन ग्रॉस सेल शैल बी आल्सो 38%, क्योंकि सेल प्राइस 100 ली हुई है, ग्रॉस सेल का 100 यानी 38% होगा। अगर ये 38% है तो बताइए वेरिएबल कॉस्ट कितनी हुई, बोले और यहां वेरिएबल कॉस्ट मैं ले रहा हूं एक्सक्लूडिंग कमीशन, क्योंकि वही गिवन है ना ऊपर, कमीशन के अलावा वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, आवाज नहीं आ रही आप लोगों को, माइक ठीक करा लो ना यार आप लोग अपने, 62% बिल्कुल बनती है, लेकिन वो कमीशन शामिल करके मैंने लिखा है एक्सक्लूडिंग कमीशन, क्योंकि ये जो वेरिएबल कॉस्ट है ये एक्सक्लूडिंग कमीशन है ना, मैं उसको बराबर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये 57% कह सकता हूं मैं, टोटल 62 एग्रीड, 62% में 5% कमीशन है वो निकाल दो, बाकी रह गया 57%। जैसे ही ये मैंने अमाउंट कैलकुलेट की और मेरा आंसर बड़े आराम से निकल आएगा, ये एक दफा कैलकुलेशन कर दी। अब इट मींस कि ये वेरिएबल कॉस्ट जो है ये 57% है ग्रॉस सेल का, तो लिहाजा इसको 100% पे ले आओ, 150 इंटू 100 बाय 57 कितना आएगा, दोबारा बोलिएगा 263.16
263.16. अब आप इस पे कमीशन आराम से ले सकते हो 5%, इसका 5% लीजिएगा, अब 263.16 में से ये दोनों लेस करो तो कंट्रीब्यूशन कितना आया? 73. कितना आ गया? 100 नहीं आ रहा? ये सर 100 आ रहा, 100 आ रहा। अच्छा, इसको चेक भी कर सकते हो, मैंने लिखा 40% ऑफ नेट सेल्स, ये सेल्स प्राइस है, ये कमीशन है, इसको इसमें से लेस करो, ये नेट सेल आई, इसका 40% लो, देखो 100 आना चाहिए, चेक इट। ओके, यस सर, बस ठीक हो गया। अब जब मैंने एक निकाल लिया, बाकी सारा भी इसी तरीके से निकालना, एक और कर देता हूं। अब अगला देखो जरा कितना आ रहा है, सेम यही प्रोसेस लगाना है। वेरिएबल कॉस्ट कितनी दी हुई है? 98 मटेरियल है, 13 लेबर है, 19 प्रोडक्शन वेरिएबल ओवरहेड्स हैं, 8 नॉन प्रोडक्शन है, इन सबको प्लस किया, 19 और 8 27, 40 और 138 आ रहा है। अगर ये 138 है तो सेल प्राइस कितनी आएगी? 100 बाय 57 242.11 और 242.11 का 5% लीजिएगा, 12.11। अब इसमें से ये सारा लेस कर दें, 242.11 माइनस 138 माइनस 12.11 92 कितना? 92 ओके। अब इसी तरह इसको लेस करके 40% लूंगा तो 92 आना चाहिए, ये तीनों इसी तरह कैलकुलेट हो जाएंगे, ठीक है। जब तीनों कंट्रीब्यूशन आ गए तो बस फिर तो मसला हल हो गया, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं इस क्वेश्चन में। दूसरी चीज, चूंकि ब्रेक इवन निकालना है तो फिक्स कॉस्ट चाहिए, यहां पर फिक्स कॉस्ट पर यूनिट में दी हुई है, जबकि मुझे फिक्स कॉस्ट चाहिए होती है टोटल, मुझे पर यूनिट से कोई कंसर्न नहीं है। अब देखो प्रोडक्शन की फिक्स कॉस्ट है 25, नॉन प्रोडक्शन की 25 और नॉन प्रोडक्शन 5, यानी ओवरऑल 30 बन रही है। तो बताइए इसको कैसे कैलकुलेट करूंगा टोटल में? एनी स्टूडेंट, 25 जो है पर यूनिट, ये फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट है, और 5 पर यूनिट ये फिक्स नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है। इसको मैंने टोटल में कन्वर्ट करना है, तो प्लीज आप जरा मुझे अपना कॉन्सेप्ट दीजिएगा, क्या करूं? ये 25 प्लस 5 30 पर यूनिट बन रही है, तो किसको क्या करूं, किससे मल्टीप्लाई करूं? सर 25 प्लांट प्रोडक्शन से होगा, 5 सेल्स से, जो सेल्स नंबर ऑफ पैकेट्स हैं। हाँ, ये मैं क्वेश्चन इसलिए नहीं पूछ रहा कि मैंने खुद 30 किया तो मैंने कहा कि आप मिस्टेक करोगे, लेकिन आप लोगों ने नहीं की, बहुत अच्छा किया। देखो प्रोडक्शन कॉस्ट जो 25, इसको मैं प्लस नहीं कर सकता, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में देखो तो दो यूनिट दिए हुए हैं, सबसे ऊपर दिया हुआ है प्लांट प्रोडक्शन नंबर ऑफ पैकेट्स, दूसरा दिया हुआ है सेल्स नंबर ऑफ पैकेट्स, ठीक है। जब आपने प्रोडक्शन कॉस्ट लेनी है तो ये 25 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा प्रोडक्शन यूनिट से, और इस 5 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा नॉन प्रोडक्शन यूनिट से, और इसके बाद प्लस करूंगा तो ये टोटल आएगा। इसमें ये ख्याल करना है, क्योंकि जितने भी नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट होती है वो सेल्स यूनिट कह लो आप,
सेल्स यूनिट पे होती है जो नॉन प्रोडक्शन है, और जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन यूनिट्स पर होती है। तो ये जब कैलकुलेट हो गया तो आगे क्वेश्चन आपके लिए कोई मुश्किल नहीं, आगे इजिली हो जाएगा। तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स के क्वेश्चन कंपैरेटिवली इजी होते हैं, लेकिन देखने में जरा थोड़े से मुख्तलिफ नजर आ रहे होते हैं, इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कल भी मैंने बताया था, ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का क्वेश्चन है मटेरियल के चैप्टर का, जो गलती से उसने इस चैप्टर में ऐड कर दिया है। ठीक है जी, इसके बाद हम इंशाल्लाह एक और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर नंबर 17। क्योंकि जब 17 भी निकल गया तो बस फिर कॉस्टिंग मेरी कंट्रोल में आ जाएगी। सर बस बजट ही है लेंथी, वो रोजों के बाद ही करेंगे, अभी नहीं छेड़ना। ये भी लेंथी होता है क्वेश्चन, लेकिन यह कंपैरेटिवली आसान होता है, कैलकुलेशन ज़्यादा है। जरा प्लीज कैलकुलेटर्स अपने साथ रखने हैं। एक तो आप लोग जो रिस्पॉन्स करते हैं ना वो बड़ा डिले होता है, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कैलकुलेशन पूछता हूँ आप लोग बताते नहीं, ठीक है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि सोए हुए बिस्तर में बैठे हो और आप क्लासें ले रहे हैं, प्रॉपर तरीके से बैठे हो जिस तरह क्लास में बैठते हो, ठीक है, जिस तरह लेक्चर नोट करते हैं आप, प्लीज़ उसी तरह किया करें तो उससे ज़्यादा आसानी होगी। अब आप में से किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए प्लीज, तो मैं अटेंड